हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जितने भी सारे सेमेस्टर 5 के छात्र हैं, आपका कोर 11 का और कोर 12 का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों का 29 तारीख को DSE 1 पेपर होने वाला है, लेकिन DSE 1 पेपर में आप लोगों का दो सेक्शन हो सकता है। किसी स्टूडेंट्स का सेक्शन ये है, किसी का सेक्शन बी है, एक इंटरनेशनल लॉ, एक इंडियन पॉलिटिक्स का, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली मुझे आज यही बताना है कि ये दोनों स्टूडेंट कैसे तैयारी करेंगे, हम आपको कैसे करवाएंगे, और 29 तारीख से पहले किस प्रकार से हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो इस प्रकार का वीडियो आपको देखना जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कब कब मेरा वीडियो आने वाला है, ठीक है, और क्या आएगा वीडियो कि नहीं आएगा, ठीक है, और आपको तैयारी कैसे करना है। आप सभी इसके पहले को 11 और 12 को देख करके गए थे, मेरे यूट्यूब चैनल से जितने सारे छात्र देख करके गए थे उनका बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी से क्वेश्चन देखने को मिला था, चाहे कोर 11 में 10 क्वेश्चन बताए थे और कोर 12 में 3 ही क्वेश्चन क्यों ना बताए होंगे, लेकिन आया उसी से था, ठीक है। तो हम वही क्वेश्चन बताते हैं आपको जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अगर समय नहीं बचा हुआ है तो वही बताएंगे जो मतलब 90% चांसेस होता है कि पूछा ही जाता है। अगर समय ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा क्वेश्चन बता देते हैं, कम रहता है तो वही बताते हैं जो आपको आने का ही चांसेस है एग्जाम में, और आपको 3 ही लिखना होता है तो हम 4-5 बता देते हैं, उन्हीं में से आ ही जाता है, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है कि हम यहाँ पे सेमेस्टर 5 DSE 1 का जो पेपर है वो निकालना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसे हार्ड लेकर के ना चलें, फिर भी हार्ड है ऐसा बात नहीं है, हम लोग आद करके चले जाते हैं जल्दबाजी में, तो हो सकता है भूल भी जाएँ, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो आज की स्टूडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग DSE 1 जिसका इंटरनेशनल लॉ है और DSE 2 जिसका क्या है इंडियन पॉलिटिक्स का है, तो ये दोनों बात हम करेंगे, इंटरनेशनल लॉ वाला और इंडियन पॉलिटिक्स का, ये दोनों का मैं बात करूँगा कि ये स्टूडेंट्स कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो हमसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, हमसे क्या जो अधिकतर लोग चूज करते हैं ना, वो अधिकतर लोग चूज करते हैं DSE 1 पेपर का। अधिकतर लोग जो चूज किए हुए हैं DSE 1 पेपर ए इंटरनेशनल लोग चूज किए हुए हैं, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो DSE 2 को चूज किए हुए हैं, ठीक है। अब ऐसे में तो मुझे दोनों स्टूडेंट्स को हेल्प करना है, तो हम कैसे हेल्प करेंगे वो आप देख लीजिए, ठीक है। आज संडे है, ठीक है, आज संडे है, और आज मैं संडे को पूरा मेरे पास दिन भर खाली समय रहेगा। मैं बिजी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे स्कूल पढ़ाना पड़ता है, कोचिंग पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो उधर मैं बिजी रह जाता था जिसकी वजह से वीडियो नहीं ला पाता था, ठीक है। फिर भी मैं इतना ज़रूर वीडियो बना देता था जिससे आपका एग्जाम निकल जाता था, ठीक है। तो आज पूरा संडे पूरा खाली रहूँगा, पूरा वीडियो आएगा, टेंशन नहीं लेना। और आप लोग मैसेज करते रहते भाई मुझे टेंशन है, आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है तो हम मेरा भी फर्ज है, ठीक है, कि हमको उस जो मैं लोगों ने मुझे विश्वास दिया उसको मुझे निभाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लें, मैं आप लोग को फुल तैयारी करवाऊँगा। तो जो DSE 1 है इसका तैयारी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो DSE 1 का ए है इंटरनेशनल लॉ, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि कौन कौन सा आएगा। अगर उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूँगा, ठीक है। तो DSE 1 का आप लोगों का जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जिसका DSE 1 ए इंटरनेशनल लॉ है, उसको टेंशन लेने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इनका फुल तैयारी करवा देंगे, ठीक है। इनका हम फुल तैयारी करवा देंगे। अगर आप भी पॉलिटिकल साइंस DSE 1 ए इंटरनेशनल लॉ का छात्र हैं जिसका आपका भी एडमिट कार्ड में लिखा है इंटरनेशनल लॉ DSE 1 में, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोर 11 का एग्ज़ाम का तैयारी करवा दिए थे, कोर 12 का, वैसा ही मैं आपको DSE 1 का तैयारी करवा करके एग्ज़ाम सेंटर तक हेल्प करने का प्रयास करूँगा। तो आपको DSE 1 वाले स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि कब वीडियो आएगा, PDF वगैरह कैसे क्या होगा नहीं होगा सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या समझ गए कि जो DSE 1 वाले स्टूडेंट्स हैं ये जिसका सेक्शन है उसको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो DSE 2 है, ठीक है, जो DSE 2 वाले स्टूडेंट्स हैं उसको थोड़ा सा टेंशन लेने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक मदद कर पाऊँगा मैं ज़रूर करूँगा। देखिए DSE 2 में है क्या, इसमें सारे लोगों ने क्या चुना है, इंडियन पॉलिटिक्स वाला चुना है, ठीक है। अब इंडियन पॉलिटिक्स वाला चुना तो जिस एरिया में मैं रहता हूँ, ठीक है, उस एरिया में DSE 2 का ना तो कोई पेपर आता है, ना तो कोई बुक है, ना तो प्रीवियस ईयर का बुक मिलता है, और ना ही इधर DSE 1 चलता है, इधर कहीं भी DSE 2 नहीं चलता है, और इस मतलब इसके बारे में इधर कुछ चलता ही नहीं है, समझ लो इधर कोई जानता ही नहीं, ना बुक आता है, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, और ना ही इधर पढ़ाया जाता है, ना ही इधर कोई स्टूडेंट चुनते हैं, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि मेरे पास इसका कुछ भी मटेरियल उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ना तो कोई विद्या गैस है, ना तो कोई आदर्श बुक है, ना प्रीवियस ईयर बुक है, ठीक है, कुछ भी मेरे पास उपलब्ध नहीं है,
ठीक है, और जब मेरे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बता सकता हूँ, जरा आप ही बताइए। मैं तो इसको अगर मैं कभी मैं पढ़ा होता पहले से तो पिछले साल इधर चलता, इस बार नहीं चलता तो मैं मानता कि पिछले साल वाला प्रीवियस ईयर से काम चला देता, लेकिन इसका कुछ भी रॉ मटेरियल इधर मिलता ही नहीं है। अब ऐसे में मैं कहाँ से इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाऊँगा, आप ही लोग बताइए। फिर भी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि मैं हेल्प करूँगा। अब कैसे हेल्प करूँगा, देखिए हमसे जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरा झारखंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अलग अलग से जगह से, ठीक है, चाहे वो VBU यूनिवर्सिटी से हो, चाहे BBM की यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, सबसे जुड़े हुए। तो हम क्या करेंगे, अगर आप भी वीडियो को देख रहे हैं जो दूर दूर से हैं और आपके पास DSE 1B का कोई भी रॉ मटेरियल है तो आप मेरे पास भेजें, फिर मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करके सभी को प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। अगर यहाँ से हो पा रहा है तो ठीक है, वीडियो को अगर कोई स्टूडेंट से देख रहा है इस तरह से भेजेगा तो ठीक है, और अगर वो नहीं भेज पाता है तो हम क्या करेंगे, अभी ग्रुप में मैसेज करेंगे कि जिसके पास भी DSE 1B का कोई रॉ मटेरियल है जिसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह का जिक्र किया गया, एक दो स्टूडेंट बोले थे कि मेरे पास है विद्या गेस, ठीक है, तो उसको मैं सेंड करने के लिए बोलता हूँ। अगर वो सेंड कर देते हैं तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। विद्या गेस में तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन मैं वही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके एग्जाम में आने की संभावना 90% रहेगा, ठीक है, 90%, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया DSE B वालों के लिए कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगा, अगर वो लोग मुझे सपोर्ट करते वो लोग मेरे पास क्वेश्चन भेजते हैं तो, ठीक है। मान लीजिए आप क्वेश्चन भी भेज दिया, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बना करके दे दिया, अब क्या होगा, अगर मैं आपको पूरा तैयारी नहीं करवा सका तो लेकिन इतना जरूर करवा देगा, 3-2 क्वेश्चन इतना जरूर मैं बता दूंगा। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता कि 2 ही बताएंगे, 3 ही बताएंगे, 4 ही बताएंगे, जैसा टाइम मिलेगा वैसा मैं बता दूंगा, ठीक है। DSE 1 का तो फुल तैयारी हो जाएगा, इन लोगों का टेंशन नहीं है, लेकिन जो इन DSE B में चुने हुए हैं अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है तब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो मैं उसका प्रयास करूँगा, मतलब 100% से ज़्यादा भी प्रयास करूँगा कि आप लोगों को मैं किसी ना किसी तरीके से अपने लैंग्वेज में लिख करके वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ, कम से कम इतना जरूर कि आप लोग पास हो जाएँ, ठीक है। तो ये हमेशा डिपेंड करता है इस पर कि अब आगे क्या होगा, स्टूडेंट्स लोग भेजते हैं मेरे पास या नहीं भेजते हैं, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को मुझसे जुड़े रहना है, बात रहता है व्हाट्सएप पर, मैं मैसेज जो जितने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं उसका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि 400-500 स्टूडेंट लोग सिर्फ मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, और भी लोग करते हैं, लेकिन रीज़न ये है कि मेरा 2 ग्रुप है, ये सेमेस्टर 5 का दोनों फुल हो चुका है इसीलिए, ठीक है। और एक ग्रुप में 257 लेता है, 250 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब ऐसे में मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ बता दो, 500 स्टूडेंट का, अगर मैं 500 स्टूडेंट का जवाब दूंगा और हाँ जवाब देने के बाद स्टूडेंट फिर क्या करता है, फिर से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है, फिर से उनका ऊपर आ जाता है और जिसका नीचे दबा रहता है वो दबा ही रह जाता है। तो ऐसे में मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, अगर मैं उधर जवाब दूंगा तो इधर वीडियो नहीं बन पाएगा, तो आप लोग गलत कमेंट करते हैं कि सर नहीं देखते व्हाट्सएप, ऐसा बातें नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया, तो ये डिपेंड कर रहा है कि अभी मैं स्टूडेंट के पास तुरंत मैसेज करने वाला हूँ, ठीक है, फिर अगला वीडियो में मैं बता दूंगा कि लोगों ने भेजा कि नहीं भेजा, ठीक है। चलिए अब बात करूँगा कि इसका वीडियो कब से आएगा, तो आज संडे है, इसका वीडियो भी मैं तुरंत बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने बोल दिया कि जो DSE 1 है उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ग्रुप ये वालों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी बी वाला को कैसे मैं मदद करूँगा आप सभी को पता है, ठीक है। ऐसा बातें नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन कोई रॉ मटेरियल ही नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि किसी ना किसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊं और आप लोगों को एग्जाम सेंटर तक बहुत अच्छी तरीके से मैं भेजूं, ठीक है। आप लोगों ने मुझ पर उम्मीद रखा है तो मैं जितना मदद हो सकता है मैं करूँगा, ठीक है। और संडे है, रात है, फिर कल दिन है, फिर रात है, मैं वीडियो करके आप लोगों को ला दूंगा, और सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उससे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको जैसे जैसे वीडियो फर्स्ट में आता जाएगा वैसे वैसे आपको ध्यान से पढ़ते जाना है, ठीक है। और लिखने का प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहाँ पर समय 3 घंटा 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ज़्यादा समय मिलता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, ज़्यादा भी समय है कम भी समय है, जैसा आप पढ़ करके जाते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो था जिसमें इन्फॉर्मेशन देना था कि कैसे क्या करना नहीं करना, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तैयारी सबका करवाऊंगा, ठीक है। और DSE 1 ये वालों के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, और जो DSE B वाले हैं अगर आपके पास कोई विद्या गेस वगैरह है कुछ भी तो आप लोग मेरे पास सेंड कर दें, या तो फिर आप लोग अपना उससे खुद से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में करें, बढ़िया रहेगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे समझ ही नहीं आता कैसे किसे रिप्लाई देना नहीं देना, सो ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।